नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ऑनर जैतो सिंह बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है, अजमेर से 15 किलोमीटर ब्यावर रोड पे। इस लॉट के अंदर चार महीने से कुछ ऊपर बच्चे हैं, जो लगभग 18-20-22-24 के जी बॉडी वेट के बच्चे हैं। तो इस टाइप के बच्चे से आप शुरुआत कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ आपको, ठीक है भैया? देखो, आप डिटेल से बता दो बच्चे के बारे में कि कितने, ये देखो ये बच्चा है सिरोही ब्रीड में, प्योर सिरोही में, ठीक है। लंबा देखो भैया, क्वालिटी ही की रेट होती है भाई। ऐसे तो रेट है, आप जिस रेट में मांगोगे ना उस रेट में मिल देगी। एक क्वालिटी होती है, उसकी रेट थोड़ी जायज़ होती है, ठीक है। उसी के हिसाब से पेमेंट मतलब रेट होती है। तोल का रेट मैं नहीं करता, मैं खड़ी रेट पे ही देता हूँ। अगर तोल पे लेना तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये क्वालिटी देखो एक बार, शानदार बच्चा है सिरोही ब्रीड में। ये कितने महीने का है? चार महीने का बच्चा है। इसका बॉडी वेट क्या होगा? लगभग 20-22 के जी बॉडी वेट है। अच्छी हाइट लेंथ का बच्चा है, खूबसूरती में। कलर वाइज देखिए आप, कलर भी एकदम बढ़िया है। कानों की लेंथ अच्छी है, जो सिरोही की लेंथ कानों की होती है वही कानों की लेंथ है। और बच्चा एकदम खूबसूरती में है। ऐसी साइज के बच्चे आप लेना चाहते हो तो ऑर्डर पे देखो, रेडी होता है। मेरे पास अभी 30 बच्चे हैं, ठीक है। छोड़िए, देखो तो कितना साइज है, बढ़िया क्वालिटी एकदम। बच्चे की साइनिंग देखिए आप, साइनिंग क्वालिटी ही की रेट होती है भाई। ऐसे तो बच्चे बहुत से मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी की रेटें होती है, ठीक है। ये देखो, ये सारे स्पॉटेड और प्लेन कलर, दो ही कलर है। एक बच्चा थोड़ा इसमें डार्क कलर में है, वाइट में, बाकी स्पॉटेड और प्लेन कलर के बच्चे हैं सारे। ये बच्चे लगभग बॉडी वेट में है 18-20-22 के जी 24 के जी ऐसे बॉडी वेट में है, ठीक है। और ये 4 महीने के बच्चे हैं लगभग, जो अच्छे से फीड पर तैयार है। पहले बात तो भाई, आप जब भी छोटे बच्चे पालो ना, तो ये मत सोच के पालो कि मैं 8-10-12 केजी का बच्चा सिरोही ब्रीड का लेके उसे पाल के बड़ा मुनाफा कर लूँ। उससे वो बड़ा मुनाफा नहीं होगा, वो नुकसान होगा भाई। मैं देने पहले, माल देने से पहले पूरी बता गया देता हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरा माल ही बेचना है कि ये हाँ इस रेट में ऐसा कोई नहीं बताता कि भाई क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। ये भी बताया ज़रूरी चाहता है, क्योंकि जो बंदा नया करता है ना, उसे ये ज़रूर मालूम पड़ जाए कि ज़्यादा छोटा लेके नुकसान नहीं करना, ठीक है। अब छोटा नहीं, मैं ये बोलूँगा कम से कम दूध छोड़ा हुआ बच्चा, तो दूध तो कम से कम भाई देखो, ऐसे बच्चे को 2 महीने को दूध छोड़ा देता है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि अगर उसको एक बार भी फीवर वीवर कुछ आ गया ना, तो वो इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि उसे सहज पाए उस बुखार को, तो इसलिए उसकी डेथ होती है। इसलिए छोटे बच्चे के लिए मैं क्लियरली मना करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब आप कुछ ही दूरी के, ज़्यादा दूरी पे नहीं हो के थोड़ी दूरी से हो तो आप छोटे बच्चे पाल सकते हो, लेकिन क्वांटिटी नहीं भाई। आप ये मत सोचो कि कम से कम 100 बच्चे पालूँ, क्वांटिटी नहीं। अगर आप पाल ही रहे हो और कम दूरी से हो, ज़्यादा दूरी से नहीं हो, राजस्थान के हो, राजस्थान के पास में ही हो, तो आप 10 या 20 बच्चे लेके पालो, ठीक है। वो भी धीरे धीरे। आप कभी भी, जो भी बंदा भाई बहुत दूरी से है, अगर बहुत दूर से है, मतलब 1000-2000 किलोमीटर की दूरी या 1200 किलोमीटर या 800 किलोमीटर की दूरी, तो आप भाई कम से कम, मेरी मानो तो कम से कम 4 महीने का बच्चा, 4 महीने का 20 केजी होता ही है। आप इससे ऊपर लेते हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन इससे नीचे जाके नुकसान मत करो भाई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि आप ये मत सोचो 250-300 बच्चे लेके मैं फार्मिंग करूँ, कभी नहीं हो पाओगे। पहले स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, खर्चा वर्चा जो लगना है गाड़ी का वो लगने दो, लेकिन 20-30 बच्चे या 40 बच्चे या हद से हद 50 बच्चे ले के पालो, लेकिन उसकी केयर इतनी अच्छी करो कि भाई बच्चा पल जाए। वैसे तो मैं नहीं बोलूँगा बच्चे से फार्मिंग स्टार्ट करो, पहले आप बकरी से स्टार्ट करो तो बेस्ट है, क्योंकि बड़ी साइज़ होती है तो हर चीज़ को सहने में थोड़ा, जो भी कोई भी बड़ा आदमी हो तो वही हर चीज़ को सह लेता है बुखार उखार को, लेकिन छोटे बच्चे को आप देखो तो उसको इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो हर चीज़ को सह ले। अब वातावरण को नहीं सहले, मैंने पहले भी बताया कि भाई बकरा जो जहाँ की ब्रीड होती है, ये सिरोही ब्रीड है ये भाई, ऐसा मानो कि हर महीने में 6 किलो बॉडी वेट या 7 किलो बॉडी वेट अगर आप दे रहे हो बच्चे को, या आप खिला पिला कर दे रहे हो, तो सबसे बेस्ट है। अगर इससे कम बॉडी वेट बढ़ रहा है तो आप उसकी डाइट प्लान अच्छा नहीं रख रहे हो, ठीक है भाई। डाइट प्लान ये है कि भाई आप अच्छे से डीवॉर्मिंग करो, डीवॉर्मिंग के बाद क्लियरली आप जो अगर छोटे बच्चे पाल ही रहे हो भाई, कि छोटे बच्चे पालने ही आपको, आपकी जिद्दी है कि मैं नहीं, मैं तो आप बोलो कितना ही मैं छोटे बच्चे ही पालूंगा, तो छोटे बच्चे पालना तो क्लियरली ये बताता हूँ। अगर जिससे भी माल लेते हो ना, या जहाँ से भी माल लेते हो, पहले उसकी जाने के बाद तुरंत सवेरे के टाइम डीवॉर्मिंग कर दो, 2-3 घंटे तक पानी यानी कुछ मत दो। डीवॉर्मिंग का मतलब पेट के कीड़े पूरे अच्छे से सफाई हो जाएंगे। फिर इसके बाद 10 दिन तक आप लगातार
हर सुबहरे या शाम को जब भी लगे सवेरे लीवर टॉनिक देते रहो। लीवर टॉनिक में कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, नेचुरल तरीका यूज़ कर सकते हो, या आप लिक्विड या टेबलेट से भी लीवर टॉनिक दे सकते हो, जिसपे लीवर अच्छा स्वस्थ रहे। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियरली करना ही है। फिर अच्छे फीड, अच्छा दाना देते रहना बच्चे को। ठीक है, उसके कुछ 24 या 48 घंटे बाद आप वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दो, या ऐसा नहीं तो वैक्सीनेशन में क्या है 10 या 15 दिन का आपको पूरी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। पहले वैक्सीन करना है आपको PPR, ठीक है, ये ज़रूर करना है। लेकिन ये वैक्सीन लगता है 4 महीने के बच्चों को ही। ठीक है, इससे नीचे को तो आप कर भी नहीं सकते भाई, करेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, होने को होता है भाई, किसी को प्रॉब्लम भी हो जाता है। ठीक है, 4 महीने के लगभग करना है। तो भाई ये ज़रूर कहूँगा कि अगर छोटे बच्चे की सोच ही रहे हो ना, तो पहले तो आप 10-12 केजी 15 केजी के बच्चों में मत जाओ भाई। देखो भाई, लेने के बाद पछता तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, इतने छोटे बच्चे मत लो, क्योंकि वो हर जगह नहीं सेटल होते हैं। सोचने को ये है कि भाई सिरोही ब्रीड के ये लगभग अच्छा बच्चा होता है ना, 15 केजी की भी 2 महीने का होता है, इससे और भी होता है, वो तो 1-1.5 महीने का भी हो जाता है। वो दूध पे डिपेंड है भाई, कैसा दूध भी डिपेंड है, कितना दूध पी रहा है बच्चा, ठीक है, उसी पे डिपेंड है। वो सिरोही ब्रीड का 4 महीने का बच्चा भी 20 केजी, कोई इससे भाई 30-35 केजी भी बैठ जाता है। वो क्लियरली है कि भाई बच्चे पे दूध कितना मिल रहा है, कितना डाइट मिल रही है, उसी हिसाब से वो वेट ग्रोथ होता है। तो सिरोही ब्रीड एक बढ़िया ब्रीड है, बड़ी साइज़ की ब्रीड है। ठीक है, इसे छोटी ब्रीड से कंपेयर नहीं करें, बरबरी से कंपेयर नहीं करें, ये बड़ी ब्रीड है भाई। इसका हर महीने का अगर 5 या 6 किलो बॉडी वेट नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप अच्छा डाइट नहीं दे पा रहे हो, अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तभी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हर सिरोही ब्रीड में 5-6 किलो वेट मिनिमम होता है, 5-6 किलो बॉडी वेट हर महीने में बढ़ाने, इतना बॉडी वेट आप नहीं बढ़ा पा रहे हो तो अच्छी डाइट दे ही नहीं पा रहे हो भाई। ठीक है, ये ज़रूर है। डाइट प्लान तो देखो भाई, सिरोही के लिए मैं बार बार बहुत सारी डाइट प्लान बता रहा हूँ, मेरी खुद की जो मैं डाइट प्लान दे रहा हूँ, वो सारा डिटेल मैं आपको वीडियो पर लगाता रहता हूँ। मेरे पुराने वीडियो देख लो आप, डाइट प्लान बताइए कि भाई ये डाइट प्लान मैं सुबह से शाम तक देता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको हर 3 महीने में डीवॉर्मिंग तो करना ही करना है बच्चे का। जो बच्चा अच्छा खा नहीं रहा है, उसे लीवर टॉनिक दो। भूख बढ़ाने के लिए बहुत है भाई, भूख बढ़ाओ जैसी डाइट प्लान दो भाई। ऐसा नहीं कि आप इसका गेहूँ का भूसा ही खिला रहे हो, कभी भी गेहूँ के भूसे से बकरी या जो ग्वार का भूसा खिलाने से कभी नहीं बनती। वो एक टाइम खिला सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं, दिन में एक टाइम। बाकी इसके अलावा आपको डाइट प्लान में दाने की लिमिट अच्छी रखनी है। ठीक है, सर्दी में बाजरा दे सकते हो, वो भी बॉईल करके बेस्ट रहेगा, उसमें तेल या और कुछ गुड़ डाल के सर्दी के टाइम। गर्मी के टाइम आप मक्का और जौ का दलिया मतलब थोड़ी टुकड़ी करके दोगे ना, और उसमें भी मिक्सर में बताया हुआ कैसे बनाते, उसे बना के दोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा भाई। लेकिन डीवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक तो आपको जाते ही ज़रूर करना है। ठीक है भाई, ये ज़रूरी है, तभी बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। और छोटे बच्चे में भाई ये मत सोचो कि जैसी क्वालिटी वैसी रेट होती है, मेरे पास ले वो जैसे है 5,000-6,000। ठीक है, 4 महीने का लगभग 5-6 हज़ार से स्टार्ट होता है मेरे पास बच्चा, वो क्वालिटी पे डिपेंड है भाई। और मेरा केजी का रेट 320 से ऊपर है भाई। भाई ऐसा नहीं कि भाई मैं 10 किलो के बच्चे को 15 किलो या 18 किलो बिठा के तोलूँ, रेट डाउन कर दूँ, ऐसा काम तो नहीं है भाई। क्लियर बताता हूँ, 320 से ऊपर ही मिलता है। आप खुद एक बार हर जगह पे ख़रीद के फिर देखो कितना रेट आप ख़रीद रहे हो। ठीक है भाई, ये ज़रूर है, मैं 320 से ऊपर रेट है, फिर आपकी क्वालिटी जैसी क्वालिटी बढ़ेगी वैसी रेट बढ़ती जाएगी। 350 तक भी रेट है। ठीक है, वो चीज़ होती है। मैं पट्टी का रेट इसलिए देता हूँ कि बंदा तोल पे ज़्यादातर फंसता है, कहाँ सस्ता भाई, जहाँ ज़्यादा सस्ता वहाँ पर वेट लॉस उतना ज़्यादा मिलेगा। ये तो है ही भाई, जब बंदा 4,000 का खरीद रहा है और आप सोच रहे हो 3,000 का मिल जाए। ठीक है, जो अगला वाला बंदा जो माल लेने वाला है देने वाला है, वो अगर 4,000 का बच्चा खरीद रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे 3,000 में मिल जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। जो बंदा खरीद रहा है उसे 2 पैसे नहीं बचेंगे तो वो बेईमानी पे दिखेगा ना, उसका दिमाग में ये आएगा कि भाई ये तो इतना नहीं, तोल पे ले ले, तोल पे इतना बढ़ा लेंगे, वो चीज़ समझो। इसलिए मैं खड़ी रेट करता हूँ। अभी मेरा ये बच्चे जा रहा है 6,000-6,500 की पट्टी से जाएंगे, और लगभग 50 बच्चे जाएंगे 4 महीने से ऊपर के देंगे। और ये डीवॉर्मिंग हो चुका है इसका आज,
और लीवर टॉनिक भी देंगे, लेकिन उसके बाद वैक्सीन करूँगा मैं 24 से 48 घंटे बाद इसका PPR वैक्सीन करके ही बंदे को दूंगा, क्योंकि इसका एक शर्त रखी गई कि PPR की के करके ही माल दे मुझे। तो मैं PPR का वीडियो बना के भेजूँगा बंदे के पास, ताकि उसको भरोसा है कि भाई PPR कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तब पूरा रेडी माल दूंगा भाई, ठीक है। पेमेंट जैसा ले रहा हूँ वैसा बिल्कुल रेडी करके दूंगा, अर्जेंटली नहीं, आज ही माल, आज ही लिया, आज ही दे दिया, ठीक है। वो नुकसान आपको खाना पड़ता है, मेरे को कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। मैंने तो माल इधर से लाया, उधर से दे दिया, लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट करके देना तो बेस्ट रहता है बंदे के लिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, देना पड़ता है टाइम। नहीं, बंदा बहुत आते हैं, बहुत सारे अजमेर आते हैं, आज का आज माल चाहिए, आज का आज, अगर फार्म पर वो चीज़ है ही नहीं फिर भी बोलता है आज का आज माल खड़ा हो तो बताओ, या आज का आज रेडी करके दो दो। भाई आज के आज में आप जल्दीबाजी करोगे ना, स्टॉक में जो माल रहेगा वो ले सकते हो, हाँ वो रेडी मिलेगा, लेकिन अलग से जो बना के देते हैं तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता भाई, ठीक है। उसमें लिए आपको ट्रीटमेंट कर रहा है और बता रहा हूँ मैं ट्रीटमेंट, कि आपको जाते ही डीवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक चालू कर देना है, ठीक है। और आपको वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन का पता होना चाहिए, टेबलेट का पता होना चाहिए कि भाई दस्त के लिए कौन सा, बुखार के लिए कौन सा, निमोनिया के लिए कौन सा, ठीक है, एंटीबायोटिक कौन सा यूज़ करूँ, सब पता होना चाहिए भाई। अगर आप फार्मिंग में कदम रख रहे हो या आप बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ नॉलेज होगी ना, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। तो आपके पास, मेरे पास हमेशा बच्चे नहीं रहते छोटे, मेरे पास हमेशा स्टॉक लिए बकरियाँ रहती है, जो ज़्यादातर सेकंड ब्याह की रहती है भाई, और लगभग 40-50 बकरियाँ रहती हैं। बच्चे के लिए आपको, अगर आपको कोई चाहिए, क्योंकि हर तरह के ऑर्डर आते हैं बच्चे में, ये नहीं कि भाई बहुत सारे तो कॉल ज़्यादातर 10-12 केजी के आते हैं, मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो में मना करता हूँ, लेकिन फिर बंदा कोई मुझे ऑर्डर देना तो मैं उसको बना के भी दे देता हूँ, क्योंकि एक बार समझा देता हूँ फिर वो नहीं समझता तो उसकी जीत है भाई, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, तो लो भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा है तो मेरे पास अब अगर लेना हो तो 4000 से स्टार्ट होते बच्चे जो दूध पीते भी आते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि रेटेड डाउन इसलिए बता रहा हूँ कि लेने वाला तो छोटा भी लेगा, वो तो पता है, कितना ही समझाओ तो भी लेगा। तो 4000 से स्टार्ट है, 5000, 6000, 7000, 8000 जिस रेंज में लो, लेकिन ये कहूँगा जितना बड़ा लो तो बेस्ट है, आपको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और पालने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है भाई। अभी के लोट में जो है बच्चे जा रहे हैं, 50 का लोट है, 50 के 50 बच्चे जाएंगे, और ये पूरा वैक्सीनेशन मतलब PPR वैक्सीनेशन, उसके अलावा जो वैक्सीन होगा वो बंदा अगला ही करेगा, क्योंकि उसमें फिर मुझे लगभग 1-2 महीने का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इसमें PPR लगने के बाद ET लगा सकते हो, फिर FMD, HQ, बहुत सारे इंजेक्शन है, 3-4 जो लगा सकते हो आप, लेकिन मेन जो वैक्सीनेशन है वो PPR, जो भयंकर बीमारी से है तो उसे तो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देख लो ऐसी क्वालिटी मेरे पास फार्म से जा रही है, ये 6-6.5 हज़ार की पट्टी से, मतलब पट्टी से रेट जा रही है, लगभग 50 बच्चे जाएंगे, वो भी रेडी होके भाई, अर्जेंटली नहीं ऑर्डर दिए हुए, कम से कम मुझे बंदे ने 7 या 1 हफ्ता या 10-15 दिन पहले से मुझे ऑर्डर दिया, उसी हिसाब से मैं रेडी पूरा करके फिर दूंगा भाई। ये मेरे फार्म पे भी लगभग 4-8-10 दिन तक मेरे फार्म पे रहेंगे, पूरा शेड्यूल करके फिर इनको अगले को दूंगा ये माल, ठीक है। ये माल जाएगा लगभग MP UP की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर तो सऊदी से आया है, लेकिन जाएगा कहाँ माल वो ले नहीं पता, क्योंकि उसने पेमेंट सऊदी से डाला मुझे, ठीक है। वो भी नया नया फार्म करने सोच रहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं कह पाऊँगा। आप अगर स्टार्टिंग ही सोच रहे हो ना भाई तो बकरी से लो, बकरी सेकंड ब्याज से हो बेस्ट हो, तब आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेकंड ब्याज की लोगे तो बेस्ट रहेगी। छोटे बच्चे से ले रहे हो तो भाई 10-12 केजी की तो छोड़ दो भाई, 1-1.5 महीने का बच्चा होता है, सही देखो तो रियल में देखो तो 1 महीने का बच्चा होता है 10-12 केजी, क्योंकि वो दूध पे डिपेंड होता है, दूध पे डिपेंड बच्चे को कभी नहीं पाल सकते भाई, वो पाल ही नहीं सकता आपसे, ठीक है। कभी भी दूध पीते बच्चे पर तो जाना ही मत भाई, क्योंकि वो दूध बिगड़ नहीं रह पाएगा, और दूध नहीं मिलेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर आ गए तो वो हर तरह की बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा भाई, और एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहा है बच्चा तो आपको पता है कितनी तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो इतना आप मत सोचो यार भाई, कम से कम तो 20 केजी तो लो, 4 महीने का बच्चा तो लो, भले आपका 50 का डिमांड है लेकिन आप 20 रोको, लेकिन लो 4 महीने का बच्चा, ठीक है। उसको क्या हर तरह की ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल है, उसके लिए लिक्विड यूज़ होता है, इंजेक्शन तो लगा दिया तो चलो ख़त्म ही है वो बच्चा, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, रिप्लाई करूँगा।
ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों, थैंक यू।